गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर अजित मिश्रा आपके साथ। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम वीकली रिवीजन करेंगे मंडे को, तो रिवीजन के लिए यहां पर हम आ चुके हैं। और पहला क्वेश्चन आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाई पड़ भी रहा है। कंप्यूटर जी अभी मेरी मेल आईडी आपको दिखा देंगे। तो कोई अगर आपको ईमेल्स कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अपने फीडबैक अपने सजेशन के लिए आपका मोस्ट वेलकम हमेशा है। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन का। और यहां पर सब लोग आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, फाइनली सबको गुड मॉर्निंग। और आइए, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कन्फर्ड द पद्म अवार्ड टू हाउ मेनी पीपल फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन ऑन 25 जनवरी 2019। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं, उम्मीद होती है। आंसर भी यहाँ पे आ रहे हैं। मैं बिल्कुल बढ़िया हुआ। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बताएं, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही थी? चलिए अब आ गए हैं और आए हैं तो आतिशबाजियाँ जरूर होंगी यहाँ पर। और आंसर क्या है? आंसर है 112। 112 सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने आज के दूसरे क्वेश्चन की। हमारा सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन है, ग्रांट थार्टन डील ट्रैकर के अनुसार 25 जनवरी 2019 को भारत ने विलय और अधिग्रहण स्थान में कितने बिलियन के क्लब में प्रवेश किया। जैसे मतलब क्या, जैसे अभी आपने कहा कि IDFC बैंक और IDFC कैपिटल फर्स्ट और IDFC बैंक मर्ज हो गए, आइडिया और वोडाफोन मर्ज हो गए। तो जो कंपनी मर्ज होती हैं उनकी कैपिटल जो मर्ज होती है उसमें मर्जर के हिसाब से इंडिया में इस बार कितने का मर्जर हुआ, ये आपसे पूछा गया है। और इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर आने शुरू हो गए हैं। द आंसर इज, आंसर आपके सामने यहाँ पर तुरंत अभी आ रहा है। और इसका आंसर कंप्यूटर जी ने यहाँ पे दिया नहीं है और आप लोग आंसर दे रहे हैं 100 बिलियन। 100 बिलियन इज राइट आंसर। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पर मिस्टेक है कंप्यूटर जी के द्वारा। चलिए कोई बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थ्री आपके स्क्रीन पर देखिए, विच साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैज अनाउंस हिज इमीडिएट रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट ऑन 24 जनवरी 2019। क्या इसका आंसर होगा, ये आपको देखना है। मतलब कि साउथ अफ्रीका के किस क्रिकेटर ने 24 जनवरी को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अब तत्काल सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। अभी कंप्यूटर जी मेरी ईमेल आईडी आपको दिखाएंगे, तो ईमेल आईडी पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। यहां पर अभी आ जाएगी ईमेल आईडी। चलिए आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? और आंसर यहां पर आ रहे हैं अंशुल पांडे। चलिए आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा जोहान बोथा। जोहान बोथा इज ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर। आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। सबको गुड मॉर्निंग, सब लोग जल्दी से आया करिए, 7:30 पे हमारा शो शुरू होता है। हालांकि आज टू मिनट डिले हम थे, लेकिन ऐसा होता नहीं जल्दी हमारे शो में। आइए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। Who among the following translated and edited a new anthology of poem titled A New Brazilian Poem launched on 24 January? मतलब क्या बोला गया है कि 24 जनवरी को प्रारंभ किए गए न्यू ब्राजीलियन पोएम शीर्षक वाली कविताओं की एक नई रचना का अनुवाद और संपादन किसने किया है, ये आपसे पूछा गया है। पांच ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर भी आने शुरू हो गए हैं। एंड द आंसर इज अभय कुमार। अभय कुमार इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की। नासा के अपॉर्चुनिटी रोवर ने 25 जनवरी को मंगल की सतह पर अपने टच डाउन के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो आपको ये पता है कि नासा का अपॉर्चुनिटी रोवर जो है ये मंगल ग्रह पे गया था और इसने जब पहली बार मंगल ग्रह का जो जमीन था उसको छुआ, तो उससे अभी आज कितना साल कंप्लीट हो गया, ये आपसे पूछा गया। और आपको इसका आंसर देना, क्या इसका आंसर होगा? चलिए जल्दी से यहाँ पर देखते हैं और बात करते हैं। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर 15 ईयर। 15 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन हमारा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सिक्स की। आपके सामने यहां पे दिखाई पड़ रहा है, भारत सरकार ने 25 जनवरी को एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए देश भर में कितने नए हवाई पट्टियों का नवीनीकरण और विकास करने का निर्णय लिया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू रिनोवेट एंड डेवलप अराउंड हाउ मेनी abandoned airstrip across the country to strengthen air connectivity on 25 January. It is very important question. और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा? कोई बात नहीं सुभाष जी, आप आए हैं यहाँ पर और आए हैं तो दुरुस्त आए हैं। और आंसर क्या होगा? 400। 400 इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आदित्य राजपूत, आपका क्वेश्चन जो है मेल आईडी पे मेल कर दें, बिकॉज यहाँ लाइव शो में आपके क्वेश्चन का हम आंसर प्रॉपर नहीं कर पाएंगे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं। हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक? लक्ष्मी विलास बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया, ये आपसे पूछा गया। और आपको उसका आंसर देना, क्या इसका आंसर होगा? हमारे पास पांच ऑप्शन है और वॉट इज द राइट आंसर देख लीजिए। यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं, आंसर अभी नहीं आ रहे हैं। व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर क्या होने वाला है? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, पार्थसारथी मुखर्जी। तो पार्थसारथी मुखर्जी इज राइट आंसर। गुड मॉर्निंग, 7:30 को गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल आंसर आ गया सुनारबिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। आपके सामने यहाँ पर
बिल्कुल प्रांजल पांडे, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। तो विथ विच कंट्री डिड इंडिया होल्ड द डिजास्टर कंट्रोल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज ऑन 23 जनवरी? तो 23 जनवरी को किस देश के साथ भारत ने आपदा नियंत्रण खोज और बचाव अभ्यास आयोजित किया? हमारे पास 5 ऑप्शन है और आपको सही आंसर चूज करना है। क्या इसका आंसर होगा? यूएसए, जापान, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, जापान। जापान इज राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आप लोग यहाँ पर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। संगीता जी बिल्कुल सही आंसर है। सौम्या बेटा वेरी गुड। मीनू जी बिल्कुल बढ़िया। पंजायुषा बिल्कुल अच्छे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने। यहाँ पर 25 जनवरी को गवर्नेंस नाउ PSU पुरस्कार के 6th एडिशन में किसको सर्वश्रेष्ठ रणनीतिक प्रदर्शन से सम्मानित किया गया? विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस एट द 6th एडिशन ऑफ द गवर्नेंस नाउ PSU अवार्ड ऑन 25 जनवरी? वॉट इज द राइट आंसर, ये आपको बताना है। आदित्य सर आप बिल्कुल मुझे मेल करिए, रिप्लाई आपको आएगा यहाँ पर, ठीक है। और क्या इसका आंसर होगा देख लेते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड इज राइट आंसर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे जो आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। देखिए, विच स्टेट हैज कन्फर्ड द रिपब्लिक डे जर्नलिज्म अवार्ड 2019 टू वेटरन जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर एडिटर धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती ऑन 26 जनवरी? 26 जनवरी को अनुभवी पत्रकार और पूर्व संपादक धीरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती को किस राज्य ने गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया है? अवार्ड एंड विनर का क्वेश्चन है। अभी जनवरी चल रही है, अभी जो भी एग्जाम आपके हैं जनवरी से टारगेट करिए कि आपका करंट अफेयर्स काफी अच्छा हो जाए, बिकॉज आप डेली पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में काफी हेल्प मिलेगी। एंड राइट आंसर इज असम। असम ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। The government of India awarded how many route to the operators under the third round of the Ude Desh Ka Aam Nagarik on 25 January? मतलब भारत सरकार ने उड़े देश का आम नागरिक के तीसरे चक्र के तहत ऑपरेटरों को कितने मार्ग प्रदान किए हैं? ऑपरेटर का मतलब जो ये एयरलाइन कंपनियां होती हैं, उन्हें कितने नए मार्ग दिए गए हैं, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज द राइट आंसर, और यहां पर आंसर आने शुरू हो गए हैं। एंड आंसर इज 235। 235 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने यहां पर आप देख सकते हैं। विच कंट्री डिक्लेयर्ड सुगर केन जूस एज द नेशनल ड्रिंक ऑफ द कंट्री आफ्टर अ पोल ऑन ट्विटर ऑन 25 जनवरी? तो किस देश ने ट्विटर पर एक सर्वेक्षण के बाद गन्ने के रस को देश का राष्ट्रीय पेय घोषित कर दिया है? गन्ने का रस, ये जरूर इंडियन कंटिनेंट की बात होगी, मतलब वियतनाम लॉयस तो मुझे लग नहीं रहे हैं, भारत होगा या पाकिस्तान होगा या फिर अफगानिस्तान होगा, बिकॉज यहीं पर हम लोग क्या है गन्ने का टेस्ट लेते हैं ज़्यादा। और इसका आंसर क्या होगा? एंड द आंसर इज पाकिस्तान। पाकिस्तान इज राइट आंसर, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं आपके सामने। निम्नलिखित में से किसे 2019 को नौसेना पदक से सम्मानित किया गया? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कन्फर्ड विद द नौसेना मेडल ऑन 25 जनवरी? हमारे पास 5 ऑप्शन फिर से हैं, क्या इसका आंसर होगा देख लीजिए। एंड द राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका? कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, टॉमी अभिलाष। टॉमी अभिलाष ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा 14 क्वेश्चन, किस राज्य में ऑपरेशन ओलंपिक 11 विषयों में एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम को शुरू किया गया? इन विच स्टेट वॉज ऑपरेशन ओलंपिक एन एक्सपर्ट प्रोग्राम टू ट्रेन एथलीट इन 11 डिसिप्लिन लॉन्च ऑन 25 जनवरी? और आपको इसका सही आंसर देना है। स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, केरला। केरला इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिए। कितने लेफ्टिनेंट जनरलों को और कितने प्रमुख जनरलों को 25 जनवरी को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? हाउ मैनी लेफ्टिनेंट जनरल एंड हाउ मैनी मेजर जनरल हैव बीन अवार्डेड द परम विशिष्ट सेवा मेडल ऑन 25 जनवरी 2019? आपको इसका आंसर देना है। यहाँ पर आपके सामने 5 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या होगा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 15 और 3, यानी 15 लेफ्टिनेंट जनरल को और 3 मेजर जनरल को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। ऋषभ कुमार सिंह बिल्कुल सही बेटा, सौम्या चौधरी बिल्कुल सही, तनुजा वर्मा वेरी गुड, दीपिका वर्मा वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं।
किस कन्नड़ लेखक ने 2018 के लिए पुस्तक नो प्रेजेंस प्लीज मुंबई स्टोरीज के लिए प्रतिष्ठित दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए DSC पुरस्कार जीता? विच कन्नड़ ऑथर वन द प्रेस्टिजियस DSC प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर फॉर द बुक नो प्रेजेंट प्लीज मुंबई स्टोरीज फॉर 2018? और आपको इसका आंसर देना है। फिर से एक बार अवार्ड और विनर पे क्वेश्चन है। हरजीत सिंह जी गुड मॉर्निंग, और टाइम पर 7:30 पर गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए और क्या इसका आंसर होगा? एंड द आंसर इज जयंत कैकिनी। तो जयंत कैकिनी इज राइट आंसर। हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए। ला विए दुन होम इन कोन्नू, सिंपल नाम है, के तमिल अनुवाद को 25 जनवरी को साहित्यिक अनुवाद के लिए रोमन रोलैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुस्तक का अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, यह आपसे पूछा गया है। देख लीजिए यहां पर, द तमिल ट्रांसलेशन ऑफ ला विए दुन होम इकन्नू द लाइफ ऑफ एन अननोन मैन, इसका मतलब होता है, वॉज अवॉर्डेड द रोमन रोलैंड प्राइज फॉर लिटरेरी ट्रांसलेशन ऑन 25 जनवरी। तो द बुक वॉज ट्रांसलेटेड बाई, और इसका आंसर आपको देना है, और आंसर भी आना शुरू हो गया, क्या इसका आंसर होगा। और भूलिएगा नहीं, आज शाम को आपकी क्लास एक और है। ये क्लास बेसिकली करंट अफेयर्स की ही है, बट ये क्लास स्पेशली RRB JEE को फोकस करके बनाया गया। जिन बच्चों को जो बैंकिंग और ऐसे वाले बच्चे हैं, अगर आपको भी अपने करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है तो आपको शाम को आना है लाइव, ठीक है, और 5 o'clock पर क्लास होगी। आप भी अपने करंट अफेयर्स का रिवीजन वहाँ पर कर सकते हैं, MCQs वहाँ पर मिलेंगे आपको, ठीक है। एंड आंसर इज SR किचना मूर्ति। तो SR किचना मूर्ति इज राइट आंसर। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की। आपके सामने आ चुका, देखिए। Who among the following was conferred with the Bharat Ratna on 25th January? तो इसमें से किसको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर आपको पता ही होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो टाइम हम कम लेंगे। एंड द आंसर इज प्रणब मुखर्जी इज राइट आंसर। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा 19 क्वेश्चन आपके सामने। Who won the women single final of the Australian Open on 26 January? अब देखिए, Australian Open के पूरे male, female, double सब कुछ आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर मैंने female पूछा है, male का answer अभी आप लोग यहाँ पर दे रहे थे। जब हमारा show शुरू होता है तो उसके 10 minutes before बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं और वापस में question answer करते हैं, तो वहाँ पर ये question हो रहा था, क्या इसका answer होगा वो देखना है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका इज राइट आंसर। आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उदय पाटी जी, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम ऑफ द होलोकास्ट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। नरसंहार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन हर साल किस दिन किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है। वी हैव 5 ऑप्शन और आपको इसका आंसर देना है। डेज आप याद करते चले, जनवरी चल रहा है, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल आएगा। एग्जाम टाइम पर हमें टाइम होता नहीं ये सब करने का। अभी से टारगेट कर ले डेज वेज का, जनवरी का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, फरवरी का, ये सब डेज कंप्लीट कर लीजिए, आपको काफी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। एंड द राइट आंसर इज 27 जनवरी इज राइट आंसर। यहां पर बच्चे आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आइए देखते हैं स्क्रीन पर। तो यहां पर देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी आपके सामने आ रहा है और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अपने। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैज लॉन्च अ डेडिकेटेड RPF वुमेन स्क्वाड नेम्ड एज ज्योमति बाहिनी। तो ज्योमति बाहिनी इन विच सिटी, तो रेलवे सुरक्षा बल ने किस शहर में ज्योमति वाहिनी नाम की एक समर्पित RPF महिला दस्ते की शुरुआत की है, ये आपसे पूछा गया है। और ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, याद रखिएगा। 5 ऑप्शन हमारे पास हैं और सही आंसर क्या होगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, गुवाहाटी। गुवाहाटी इज राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, 22 क्वेश्चन। तो हु इज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिगो एयरलाइन? इंडिगो एयरलाइन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, ये आपसे पूछा गया है। यहां पर 5 ऑप्शन आपके सामने हैं, व्हाट इज द राइट आंसर। एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, रोनो जॉय दत्ता। रोनो जॉय दत्ता इज राइट आंसर, याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे स्पेशली रेलवे वाले हैं उनको ये क्वेश्चन याद कर लेना चाहिए, बिकॉज रेलवे में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भारत और इस देश के बीच में एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। Recently, the Union Cabinet approved the Memorandum of Cooperation between India and this country in the field of food processing sector.
अब आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा, ये यहाँ पर बात MOUs की हो रही है. क्या इसका आंसर होगा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सब लोग टाइम पर आया करिए जी. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, जापान. जापान इज राइट आंसर, बिल्कुल सही. और अपने अपने मार्क्स शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज हम काफ़ी दिन के बाद मिल रहे हैं. तो इस दिनों में आपने कितना करंट अफेयर्स पढ़ा, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, ये जानना मेरा बड़ा ज़रूरी है. तो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देखिएगा. जो बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं वो जरूर कमेंट करेंगे अपने मार्क्स, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The Indian Army will conduct the joint exercise named India-Africa Field Training with African nation in March 19 in which state? तो भारतीय सेना मार्च में अफ्रीकी देशों के साथ इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग नाम के एक ज्वाइंट एक्सरसाइज का आयोजन किस राज्य में करेगा, ये आपसे पूछा गया और इसका आंसर क्या होगा. तुषार जी बोल रहे हैं मेरा रिप्लाई दो सर. तुषार बेटा बिल्कुल रिप्लाई देंगे. एक कमेंट फिर से कर दीजिए, एक आपका देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है. एंड द आंसर इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में कहा, महाराष्ट्र में पुणे में ये होगा, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुजराती पोएट, आपको इनका नाम बताना है, वॉज अवॉर्डेड सरस्वती सम्मान 2017. याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सरस्वती सम्मान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको इसका आंसर देना है. क्या इसका आंसर होने वाला है? एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, सितांशु यशचंद्र. ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ और आपको इसे याद कर लेना जरूरी है. चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 26 की. आपके सामने यहाँ पे देखें तो हु वॉन द वुमेन्स वॉइस अवार्ड एट द APJ कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल. तो APJ कोलकाता साहित्यिक समारोह में वुमेन्स वॉइस अवार्ड किसने जीता, ये आपसे पूछा गया है. वी हैव 5 ऑप्शन अगेन और आपको इसका आंसर देना है. क्या इसका आंसर, काफ़ी अवार्ड वाले क्वेश्चन आज देखने को मिल रहे हैं और इसका आंसर क्या होगा. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, रंजनी मुरली. रंजनी मुरली इज राइट आंसर, आप यहाँ पर देख सकते हैं. चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. बिल्कुल सही आंसर यहां पे आने शुरू हो गए. चलिए, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज सेट अप 11 मेंबर वर्किंग ग्रुप टू लुक इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप इंसॉल्वेंसी एंड सजेस्ट अ सुटेबल फ्रेमवर्क इट विल बी हेडेड बाय. मतलब कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने ग्रुप इंसॉल्वेंसी की अवधारणा को देखने के लिए एक उपयुक्त ढांचे का सुझाव देने के लिए 11 मेंबर की कमेटी बनाई है. इस कमेटी को लीड कौन करेंगे, ये आपसे पूछा गया. ग्रुप इंसॉल्वेंसी, कई सारे लोग हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया और वो उन्होंने बोल दिया कि हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, तो इनको रोकने के लिए कमेटी बनाई गई है. इस कमेटी को लीड कौन करेंगे, ये आपसे पूछा गया है. व्हाट इज द राइट आंसर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, यूके सिन्हा. यूके सिन्हा जो ये सेबी के पूर्व हेड भी रह चुके हैं, यूके सिन्हा इज राइट आंसर, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 19 इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. तो विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है. रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, यानी ये स्टैटिक का भी क्वेश्चन है और स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर देना है. क्या इसका आंसर होगा? यहाँ पर मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है. अनुराग ठाकुर को तो अवार्ड मिला है पार्लियामेंट का, वो यहाँ पर क्यों आ जाएंगे जी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, यूनाइटेड नेशंस. UN ने ये रिपोर्ट अभी लॉन्च की थी, तो देख लीजिएगा UN कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं, ठीक है. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके सामने यहाँ पर है. देखिए, क्रिसिल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी है. तो क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अकॉर्डिंग टू द क्रिसिल रिपोर्ट, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द टर्म्स ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको इसका आंसर देना है. क्या इसका आंसर होगा? और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये और इसका आंसर भी बड़ा बढ़िया है, क्योंकि इस स्टेट से काफ़ी अच्छी खबर आ रही है. ये स्टेट पहले काफ़ी डिक्लाइन पे चला गया था लेकिन अभी ठीक चल रहा है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, बिहार. बिहार इज राइट आंसर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन. तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है. फिर मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, शाम को 5 बजे आपकी एक करंट अफेयर्स की क्लास है, MCQ वाली क्लास है, रिवीजन है और ये जो क्लास होगी ये प्रॉपरली RRB JEE के बच्चों को टारगेट करके बनाई गई है. लेकिन अगर आप भी करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं, भले आप बैंकिंग के हों या रेलवे के हों या SSC के हों, आप सब आ सकते हैं, सबको फायदा मिलेगा, लेकिन क्लास प्रॉपर JEE के लिए ही है, ठीक है. चलिए, एंड द नेक्स्ट आंसर इज 24 जनवरी इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं आपके सामने. तो विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू फॉर्म अ स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स टू सेव द टाइगर पॉपुलेशन.
तो किस राज्य ने बाघों की आबादी को बचाने के लिए स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? यहां पर पांच ऑप्शन आपके सामने है, क्या इसका सही आंसर होगा ये भी देख लीजिए आप, ठीक है? चलिए, व्हाट इज द राइट आंसर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, तेलंगाना. तेलंगाना इज राइट आंसर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे. आपके सामने 32nd क्वेश्चन. जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले में किस नदी पर बने 1.2 किलोमीटर लंबे किदियान गांडियाल पुल का उद्घाटन 22 जनवरी को किया गया? सॉरी, द 1.2 किलोमीटर लॉन्ग किदियान गांडियाल ब्रिज ऑन द विच रिवर इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज इनोग्रेटेड ऑन 22nd जनवरी 2019. और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा? देख लीजिए, यहाँ पर आ रहे हैं कमेंट काफ़ी. एंड द राइट आंसर इज रावी नदी. तो रावी नदी के ऊपर बना हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, द 15th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी? तो प्रवासी भारतीय दिवस के 15th एडिशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया, ये आपसे पूछा गया है. और ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और आंसर आप लोग को पता भी है, मुझे पता है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, वाराणसी. वाराणसी इज राइट आंसर. चलिए हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यहां पर देख लीजिए. सुल्तान अब्दुल्लाह वॉज इलेक्टेड एज न्यू किंग ऑफ विच कंट्री फॉलोइंग टू एबडिकेशन ऑफ सुल्तान मोहम्मद 5 इन जनवरी 2019? ये करंट अफेयर्स हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो आप इसका सही आंसर दे दोगे. क्या इसका सही आंसर होने वाला है? एंड द राइट आंसर इज मलेशिया. तो आपको पता है कि सुल्तान मोहम्मद पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 5 साल से पहले किंग का पद छोड़ा था, तो ये लाइमलाइट में थे. तो ये चीज़ें आपके एग्जाम में भी आ सकती हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने 35 क्वेश्चन की बात करते हैं. वेरी रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ न्यू आउटब्रेक ऑफ लासा फीवर दैट हैज़ किल्ड 16 पीपल सिंस अर्ली जनवरी 2019? तो किस देश ने लासा बुखार के एक नए प्रकोप की घोषणा की है जिससे कि इस देश में 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जनवरी से? और आपको इसका आंसर देना है, किस कंट्री में ये बीमारी है? डिसीजेस से क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा. तो क्या इसका आंसर होगा? एंड द राइट आंसर इज नाइजीरिया. नाइजीरिया इज राइट आंसर. अरे फोक डांस बेटा होता रहता है, फोक डांस एक स्टैटिक का पार्ट है. फोक डांस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने कराए हुए हैं. फोक डांस याद कर लीजिए, ऐसा नहीं होता कि फोक डांस कोई करंट अफेयर्स का पार्ट है, ठीक है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. हमारा, इन विच कंट्री द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 49th एनुअल मीटिंग वॉज हेल्ड? तो किस देश में विश्व आर्थिक मंच की 49th वार्षिक बैठक आयोजित की गई थी, ये आपसे पूछा गया है. तो आइए देखिए क्या इसका आंसर होगा. मैं आपको थोड़ा हेल्प कर दे रहा हूं, ये दावोस में हुआ था. दावोस किस देश में आता है ये आपको बताना है अब. तो क्या इसका आंसर होगा देख लेते हैं. दावोस किस देश में आता है? दावोस आता है आपका स्विट्जरलैंड में. तो आंसर क्या होगा हमारा? स्विट्जरलैंड इज राइट आंसर. बिल्कुल सही. चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. आपके सामने यहां पर आ चुका है, देखिए. तो विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द मेडल टैली एट खेलो इंडिया यूथ गेम्स? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पूरी इन्फॉर्मेशन करेंट अफेयर शो में हम आपको देंगे जो हमारा कल से शुरू होगा, ठीक है? तो क्या इसका आंसर होगा? तो दूसरे नंबर पे तो देखो हरियाणा है और तीसरे पे दिल्ली है. तो हरियाणा दूसरे पे हो गया, दिल्ली तीसरे पे हो गया, तो महाराष्ट्र बचे, बिहार बचे, झारखंड बचे, क्या इसका आंसर होगा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 5 महाराष्ट्र. महाराष्ट्र इज राइट आंसर. दूसरे पे कौन है? हरियाणा. तीसरे पे कौन है? दिल्ली. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. हु हैज वॉन द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन $25,000 वुमेन्स टूर्नामेंट इन सिंगापुर ऑन 20th जनवरी? तो 20 जनवरी को सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का $25,000 का महिला टूर्नामेंट किसने जीता? सिंगापुर में इंटरनेशनल टेनिस महासंघ की बात हो रही है, क्या इसका आंसर होगा? ये आपको देना है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, अंकिता रैना. अंकिता रैना इज राइट आंसर. यानी अंकिता रैना जो खिलाड़ी हैं ये किससे बिलोंग करती हैं, किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? तो ये टेनिस से बिलोंग करती हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं आगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विच स्टेट हैज अनाउंस्ड अ हाइक ऑफ ₹200 पर मंथ इन द सोशल सिक्योरिटी पेंशन अंडर मधु बाबू पेंशन योजना ऑन 19 जनवरी? तो मधु बाबू पेंशन योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ₹200 प्रति माह की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है. आपको इसका आंसर देना है, सही आंसर देना है, क्या इसका सही आंसर है? यहाँ पर हाँ, इवनिंग वाला शो भी होगा, शाम को 5 बजे होगा और वहाँ भी चाहे तो आप आ सकते हैं, ठीक है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा. ओडिशा इज राइट आंसर. बिल्कुल
सही आंसर आप यहाँ पे दे रहे हैं. वेरी गुड, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, जय माता दी रॉक्स. चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. तो कंप्यूटर जी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बस दिखाने वाले हैं. और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एंड्री राजो इलिना वॉज स्वर्न इन एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, आपको ये बताना है. तो एंड्री राजो इलिना को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है ये देख लीजिए. और यहाँ पर पांच ऑप्शन फिर से हमारे सामने हैं. एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, मेडागास्कर. मेडागास्कर इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है ये रहा हमारे स्क्रीन पर, ये देखिए ये रहा. तो विच सिटी हैज बीन अनाउंस्ड एज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर 2020 बाय यूनेस्को. यूनेस्को द्वारा किस शहर को 2020 के लिए विश्व राजधानी के रूप में घोषित किया गया है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको इसका सही आंसर देना है क्या इसका आंसर होने वाला है. एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, रियो डी जेनेरियो. मतलब ब्राज़ील की बात हो रही है, ये ब्राज़ील की कैपिटल नहीं है, पहले थी अब नहीं है, याद रखिएगा इस चीज़ को. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. हमारा 42nd क्वेश्चन आपके सामने. जी बिल्कुल सही है सर. तो वेयर विल द सेकेंड वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन फोरम 2019 बी हिल्ड फ्रॉम 23 to 25 January 2019. ये पहले भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आपको इसका आंसर देना है. तो 23 से 25 जनवरी तक द्वितीय विश्व एकीकृत चिकित्सा संगोष्ठी 2019 कहां पर आयोजित की जाएगी, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है. मतलब ये हो चुका है. एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज गोवा. गोवा इज राइट आंसर. आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके सामने यहां पर है, देखिए. तो हु रिसीव्ड द वुमेन वॉइस अवार्ड एट द APJ कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल ऑन 20th January. तो 20 जनवरी को APJ कोलकाता साहित्यिक समारोह में वुमेन्स वॉइस अवार्ड किसको मिला. तो क्वेश्चन तो आपको बताइए, आंसर क्या होगा इसका. एंड द राइट आंसर इज रंजनी मुरली. मतलब कि क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने ये रहा. Who has been chosen for the first Sheikh Saud International Prize for Materials Research by the Center for Advanced Materials of the United Arab Emirate? मतलब संयुक्त राज्य अमीरात के उन्नत सामग्री केंद्र द्वारा पहले सामग्री अनुसंधान के लिए शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है, ये आपको बताना है क्या इसका आंसर होने वाला है. तो हमारे सामने पांच ऑप्शन है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, CNR Rao. CNR Rao इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर. ध्यान दीजिएगा ये केवल शो हमारा रिवीजन का है, कल से हम डीप में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने. अ स्पाई सैटेलाइट नेम्ड नेशनल रिकॉनाइसेंस ऑफिस सैटेलाइट वॉज लॉन्च इन टू ऑर्बिट ऑन 19 January. द सैटेलाइट बिलोंग्स टू विच कंट्री. तो आपको बताना है क्या इसका आंसर होने वाला है, ये देख लीजिए. यहाँ पर पांच ऑप्शन आपके सामने हैं और सही आंसर क्या होगा ये देख लीजिए. एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज USA. USA इज राइट आंसर. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. हमारे सामने यहाँ पर देखिए, तो इन विच स्टेट हैज माइक्रोसॉफ्ट इंडिया लॉन्च अ न्यू e-commerce पोर्टल rewave.in इन 19 जनवरी टू एम्पावर हैंडलूम वीवर्स. तो माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में हथकरघा बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए 19 जनवरी को एक नया ई कॉमर्स पोर्टल रीवीव इन लॉन्च किया है, ये आपको बताना है. रीवीव है, वीव डॉट इन है, लॉन्च किया है, ये आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, तेलंगाना. तेलंगाना इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सामने देखिए, तो हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर टू सक्सेसफुली कंप्लीट द साउथ पोल एक्सपेडिशन. दक्षिण ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला पुलिस सेवा अधिकारी कौन बनी है, यह आपसे पूछा गया है. फर्स्ट लगा हुआ है ना, जब भी फर्स्ट लग जाए तो वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, अपर्णा कुमार. अपर्णा कुमार इज राइट आंसर, आप यहां पर देख पा रहे हैं. चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपके सामने देखिए. With which country has India signed a protocol to export Indian tobacco leaves on 21st January 2019? तो भारत ने किस देश के साथ भारतीय तंबाकू पत्तियों को निर्यात करने के एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपको बताना है. चाइना है ऑप्शन में, जर्मनी है, लाओस है, फ्रांस एंड वियतनाम है. एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चाइना. चाइना इज राइट आंसर. दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके सामने यहाँ पर आ चुका, देखिए.
नेपाल सेंट्रल बैंक हैज बैंड द यूज ऑफ इंडियन करेंसी नोट्स ऑफ हाउ मच डिनोमिनेशन फ्रॉम 25 जनवरी 2019. तो नेपाल ने नेपाल के केंद्रीय बैंक ने कितने रुपए के भारतीय मुद्रा नोटों के उपयोग पर 21 जनवरी से प्रतिबंध लगा दिया है. तो ये आपके सामने है और आपको इसका आंसर देना है. देखिए, इंडिया की केवल 100 रुपए की करेंसी पर बैन नहीं लगा है, मतलब उसके ऊपर कौन कौन सी करेंसी है, 200 रुपए की है, 500 रुपए की है, 2000 रुपए की है. तो आंसर क्या होगा हमारा, 2500 और 200 रुपए. तो ये हमारा सही आंसर है. हाँ, अबव 100 सो में. ठीक है, बिल्कुल सही बेटा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. आपके सामने देखिए, हु हैज बीन बेस्टाउन विद द संसद रत्न अवार्ड फॉर डिस्टिंग्विश्ड परफॉर्मेंस एज अ पार्लियामेंटेरियन ऑन 19 जनवरी 2019. तो 19 जनवरी को किसे एक सांसद के रूप में विशिष्ट प्रदर्शन करने के लिए संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है. और इसका आंसर क्या होगा, ये मैं आपको अभी कुछ देर पहले ही बोल रहा था क्या इसका आंसर होने वाला है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, अनुराग ठाकुर. अनुराग ठाकुर इज राइट आंसर. आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. आपके सामने देखिए 51 क्वेश्चन. एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हर साल पब्लिश करती है. रिलीज्ड ऑन 21 जनवरी, इंडियाज इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट हाउ मच परसेंट इन 2019. तो 21 जनवरी को जारी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कितने परसेंट के दर से बढ़ेगी, ऐसा कि IMF ने अपने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में बोला है, क्या इसका आंसर होगा. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 7.5%. 7.5% इज राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द मेन्स टाइटल इन द टाटा मुंबई मैराथन इन मुंबई ऑन 20 जनवरी. 20 जनवरी को मुंबई में टाटा मुंबई मैराथन में पुरुषों का खिताब किसने जीता, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका सही आंसर देना है. व्हाट इज द राइट आंसर. हमारे पास 5 ऑप्शन है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, कॉस्मोस लेगाट. कॉस्मोस लेगाट ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर दोस्तों. चलिए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके स्क्रीन पर यहां पर आ चुका. देखिए, तमिलनाडु में आयोजित एक भव्य जलीकट्टू कार्यक्रम ने खेल के मैदान में कितने सांडों को की अधिकतम संख्या छोड़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है. तो अ ग्रैंड जलीकट्टू इवेंट हेल्ड इन तमिलनाडु, यानी जलीकट्टू तमिलनाडु का खेल है, याद रखिएगा. ठीक, ऑन 20 जनवरी, इंटर्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर रिलीजिंग अ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउ मेनी बुल्स इनटू द स्पोर्टिंग एरेना. और इसका आंसर आपको देना है, क्या इसका आंसर होने वाला है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 1354 बुल्स को छोड़ा गया जलीकट्टू गेम में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. यहाँ पर देखिए 54 क्वेश्चन. तो कौन सा संस्थान आगामी शैक्षणिक वर्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्ण बीटेक कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय शैक्षिक संस्थान बन जाएगा. तो विच इंस्टीट्यूट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू लॉन्च अ फुल फ्लेज बीटेक प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम द कमिंग अकेडमिक ईयर 2019-20. और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा, देख लीजिए. And the right answer is IIT हैदराबाद. तो यहाँ पर देख लीजिए, IIT हैदराबाद ऐसा करने वाला पहला इंस्टीट्यूशन बन जाएगा जो कंप्लीट डिग्री दे रहा है बीटेक की, किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. तो who has been appointed as the new prime minister of the Burkina Faso on 21st January? Burkina Faso एक कंट्री है, आपने नाम सुना होगा और आई होप कि आपको उसकी कैपिटल करेंसी भी याद होगी. ठीक, तो इसके नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर है, देख लीजिए. यहाँ पर 5 ऑप्शन हमारे पास हैं. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, क्रिस्टोफर डबायर. क्रिस्टोफर डबायर इज राइट आंसर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कंप्यूटर जी ने आंसर ही दे दिया सीधे, क्या. Recently, the Israeli and US defense ministries have successfully tested ballistic missile interceptor named, आपको नाम बताना है, deploy at Israeli air bases. तो हाल ही में इसराइल और अमेरिका के रक्षा मंत्रालयों ने इसराइल के एयरबेस पर तैनात कौन से किस नाम के बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है. आंसर आपके सामने ही है, Aero 3. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. हमारे सामने देखिए, द नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड इन विस सिटी. तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में हुआ था, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है. हाँ हाँ हाँ, आंसर पता है आप लोगों को. हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्या इसका आंसर होगा. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली. दिल्ली इज राइट आंसर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. यहाँ पर देखिए सामने स्क्रीन पर आ चुका है,
Which Indian cricket bowler has become the fastest Indian to claim 100 wicket in one day international? तो इन्होंने जहीर खान का, इन्होंने अजीत अगरकर का, जावागल श्रीनाथ का सबका रिकॉर्ड ब्रेक किया है. इन्होंने अब तक 56 मूवी याद कर लो 56 मैचों में 100 विकेट पूरे किए. कौन से ये बॉलर हैं आपको इनका नाम बताना है, क्या इसका आंसर होगा. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन मोहम्मद शमी. मोहम्मद शमी इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर. बिल्कुल सही. चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की. एक और न्यूज़ है आपके लिए. देखिए यहाँ पर आपके SBI PO का एक बैच हमने लॉन्च कर दिया है और यहाँ पर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे हमारे सर जो हैं नितिन सर. रीजनिंग के लिए हमारे रीजनिंग के बहुत बड़े बढ़िया फैकल्टी हैं. सचिन सर हैं, GA के लिए मैं हूँ और उत्कर्ष सर क्वांट देखेंगे आपका, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. तो कंप्यूटर जी स्लाइड पर चुकी, तो आगे बढ़े हम लोग. चलिए तो फिर डिजाइन क्वेश्चन आपके सामने फिर से देखिए एक बार यहाँ पर. हाँ साउंड आ चुका. चलिए हाँ साउंड आ गया. चलो 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 देखो यहाँ पे. और यहाँ पर 59वां क्वेश्चन आ चुका है कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन कितनी है. टॉप पे स्विट्जरलैंड है इसमें. आइए और आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा. यही क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हमारा था अभी तक, ठीक है. और इसका आंसर बच्चे दे रहे हैं यहाँ पर. कंप्यूटर जी स्लाइड आगे बढ़ाएं और आंसर दें. आंसर है 80th. तो 80वां आंसर हमारा सही आंसर है. चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 68 की. आपके सामने यहाँ पर आ चुका, देखिए. तो विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड द पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल एज अ स्टेट फेस्टिवल. तो किस राज्य ने पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल को राज्य का उत्सव घोषित किया है, ये आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होने वाला है. शीतल जी ये क्लास स्टार्ट आपकी होगी शायद 4 से, एक बार देख लीजिएगा ग्रुप पे जाकर. मैं भी कल आया हूँ अभी. चलिए और आंसर दें बच्चों को यहाँ पे. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर आपका पहला है, अरुणाचल प्रदेश इज राइट आंसर. चलिए देख लीजिए. चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की. यहाँ पर 61 क्वेश्चन आपके सामने. तो वेयर वॉज द 2-डे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इनॉग्रेटेड ऑन 23rd January. तो 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर देना है, व्हाट इज द राइट आंसर. तो यहाँ पर 5 ऑप्शन आपके सामने हैं और सही आंसर क्या होगा. आगे बढ़े कंप्यूटर जी. एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु. तमिलनाडु इज राइट आंसर. दोस्तों टाइम थोड़ा कम है तो हम थोड़ा तेज चलेंगे अभी, ठीक है. चलिए इंडिया हैज साइंड MOU विद कुवैत टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क फॉर कॉपरेशन ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स रिलेटेड मैटर्स. द MOU इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मैनी ईयर्स. तो भारत ने घरेलू कामगारों से संबंधित मामलों पर सहयोग के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करने के लिए कुवैत के साथ एग्रीमेंट किया है. तो इस एग्रीमेंट का टेन्योर कितना होगा, ये आपसे पूछा गया. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 5 ईयर. 5 ईयर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. PDF इस वीडियो के बाद आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर. The amendment to the framework on currency swap arrangement for SAARC member countries will incorporate a standby swap amounting to how many million? तो मतलब जो SAARC कंट्रीज हैं, SAARC कंट्रीज जो भी हमारी हैं, ठीक है, जैसे 8 कंट्रीज हैं, तो इनके बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता रहता है. ये लोग आपस में करेंसी एक्सचेंज करते रहते हैं. तो इस बार करेंसी स्वैप को कितना रुपया रखा गया कि इतना अमाउंट आपस में एक्सचेंज हो सकता है. जी हाँ बिल्कुल सही. और आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 3, 400 मिलियन या 4 बिलियन भी आप बोल सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने, देखिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. वेयर विल द नेशनल बेंच ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बी सिचुएटेड. तो माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ कहां पर स्थित होगी, ये देख लीजिए. यानी कि अगर आपको GST से कोई प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेन करनी है, तो आप यहां पर कंप्लेन कर सकते हो. एक तरह का ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है और आपको इसका आंसर देना होगा, क्या इसका आंसर होने वाला है, ठीक है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जी हाँ बिल्कुल, आंसर 1, न्यू दिल्ली इज राइट आंसर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, When is the International Day of Education observed? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है और आई थिंक ये सबको पता होगा क्या इसका आंसर होगा. आंसर दिखाएं कंप्यूटर जी. एंड द राइट आंसर इज 24 जनवरी. 24 जनवरी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जनवरी को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा द्वारा कमीशन किए गए नए नौसेना एयरबेस का नाम क्या होगा.
तो व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू नेवल एयरबेस कमीशन्ड बाय द नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑन 24 जनवरी? व्हाट इज द राइट आंसर? कंप्यूटर जी प्लीज आंसर दिखाएं बच्चों को. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, INS कुहास. INS कुहास इज राइट आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार 18-19 में किस कंपनी को वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड का दर्जा दिया गया है? पहले नंबर पे आपकी है संचर, दूसरे पे है IBM और तीसरे नंबर पे कौन सी कंपनी है, ये आपसे पूछा गया है. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, TCS इज राइट आंसर. ये हमारे लिए प्राउड का विषय बिल्कुल है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. आपके सामने देखिए यहाँ पर, पंजाब के रोपड़ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नेत्रहीनों की सहायता के लिए कौन से नाम का एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप किया है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एट रोपड़ इन पंजाब हैज डेवलप्ड एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन नेम्ड, आपको नाम बताना है, टू असिस्ट विजुअली इंपायर्ड पीपल. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे रोशनी इज राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके सामने. तो लांस नायक नज़ीर अहमद वानी को 2019 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? लांस नायक नज़ीर अहमद वानी विल बी कन्फर्ड विद द विच अवार्ड इन 2019? वी हैव 5 ऑप्शन एंड द राइट आंसर इज, कंप्यूटर जी प्लीज, एंड द राइट आंसर इज अशोक चक्र. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, Which bank has appointed Ravneet Gill as the Chief Executive Officer and Managing Director on 24 January? आपको इसका नाम आंसर देना है. क्या आंसर इसका आंसर होने वाला है? पांच ऑप्शन हमारे सामने हैं. जी हाँ, एसेंजर राकेश तंवर, एसेंजर पहले पे थी, IBM दूसरे पे थी, ठीक है. एंड आंसर इज यस बैंक इज राइट आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, When is the National Voters Day observed in India? वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. What is the right answer? कंप्यूटर जी प्लीज. एंड राइट आंसर इज 25 जनवरी इज राइट आंसर. और हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा कंप्यूटर जी होगा, है ना. दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है. तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग ऑन 22 जनवरी? तो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? और आंसर इस यहां पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 है, कार्थ्यानी अम्मा. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि नवंबर में गुरु नानक देव की कौन सी जयंती के मद्देनजर आनंदपुर साहिब के लिए एक विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा? तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है. पंजाब गवर्नमेंट अनाउंस दैट अ डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर आनंदपुर साहिब विल बी सेटअप इन द वेक ऑफ द विच बर्थ सेनिवरी ऑफ गुरु नानक देव. और आपको इसका आंसर देना है, नवंबर में ये होगा. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, कंप्यूटर जी, 550, मतलब ऑप्शन नंबर 3. तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्वेश्चन और आपको हमें बताना है कि कितने अटेम्प्ट आपके सही हुए और आपको इसका आंसर भी देना है. इसके बाद अभी शेफाली मैम की क्लास भी है तो GS वो पढ़ाएंगी और GS आपको पढ़ना है तो आपको आना है 8:30 पर, शेफाली मैम की क्लास है. दोस्तों चलते हैं, यहीं पे विदा लेते हैं आप लोगों से और कल मिलेंगे फिर से आपसे. कल 7:30 पे आपसे मिलेंगे फॉर करेंट अफेयर्स, बढ़िया से पढ़ेंगे. और आज शाम को 5 बजे आपको आना ही, आपको पता है शाम को 5 बजे, ठीक है. थैंक यू गाइज, कैसा लगा हमारा शो प्लीज़ हमको बताएं और धमाल मचाते हैं बढ़िया से और अच्छे से. हाँ, थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं आपसे शाम को. तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो. थैंक यू सो मच.